भीम आर्मी ने टोंका गांव में हुए हमले को लेकर एसपी को धारा 307 बढ़वाने दिया ज्ञापन, 7 दिन का दिया अल्टीमेटम। शिवपुरी में आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी द्वारा आज शिवपुरी एसपी को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उन्होंने धारा 307 बढ़ाए जाने की मांग की है। भीम आर्मी द्वारा प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। आर्मी द्वारा प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया है। जानकारी के अनुसार विजय नरवारे जिला भीम आर्मी जिला संयोजक ने बताया कि 24 मार्च को सिरसौर थाना क्षेत्र के ग्राम टोंका में पुराने विवाद के चलते यादव समाज के लोगों ने पीड़ित परिवार पर कुल्हाड़ी लाठियों से जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ सिंपल धाराओं में मामला दर्ज कर किया है। वहीं जबकि घायल कल्ला जाटव पुत्र फतीजा जाटव निवासी ग्राम टोंका हाल निवासी कोलारस माँ घनोबाई पर कुल्हाड़ी लाठियों से जानलेवा हमला किया गया था। इनका वर्तमान में जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। इस मामले में धारा 307 का इजाफा नहीं किया गया है। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी द्वारा मांग की गई है कि अपराध में धारा 307 बढ़ाई जाए और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। भीम आर्मी ने बताया कि अगर 7 दिवस में पूरी नहीं की गई मांग तो प्रदेश स्तर से शिवपुरी में चक्काजाम एवं उग्र आंदोलन किया जाएगा। बजाती में बिना का बोले को जे हमने रोक रहा भेजे रोगी भी रोगी में बिना का सोची मुँह उठा है और टांग और ले गए अपने की का निकी दौन जा रहा है बिना की नाम क्या आपका बिना पर सारी चार जने में टांग आ मैं अपनी की तो पहले जा साले ट्रैक्टर टन दबा अभी तो नहीं पता गांव 5-2 में इन लोगों को बंधक बनाकर रखा और पिटाई करी इन लोगों से पिटाई करी मैं ले आ गया सपा में पीट चो नहीं यहाँ पे थाने में रिपोर्ट तो की होगी ना कुछ एफआईआर है पहले पहले ही आते इनका ये कहना है इनने कहा कि हमें SC ST की जो कायमी भी हुई है तो उस पर दबाव बना रहे हैं वो दबाव बना रहे हैं राजीनामा दे दो मत करना राजीनामा नहीं दे रहे साहब ठीक है ये आवेदन पे मैं एक कायम और करवा दे रहा बेगति करिए नौ आलू के तो ले जा जूते जुताई में बिना के मैं नौ आलू का गुगा में 500 में तुम घर पहुंचोगे आज घर पहुंच जाओगे आज पहुंच जाओगे टीआई साहब आपके पास आएंगे मैं बात करता हूं आज 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 भीम आर्मी ने एक प्रदर्शन यहां पर किया है। किस तरह का प्रदर्शन और क्यों इस प्रदर्शन की जरूरत पड़ गई भीम आर्मी? देखिए आज से 2-3 दिन पहले पौरी विधानसभा के सिरसौद गांव के टोंका गांव में एक कल्लू जाटव और उसकी मां धन्नूबाई के साथ में कुछ यादव लोगों ने मारपीट की थी, जिनमें कल्लू जाटव के पैर में 5 जगह फ्रैक्चर है और धन्नूबाई के भी फ्रैक्चर है और उनके साथ में अभद्रता की गई। इतना ज़्यादा मारा गया है कि उनका अभी बहुत गंभीर हालत है आज की तारीख में और उनका इलाज चल रहा है। लेकिन यहाँ हम इसलिए आए हैं कि कल्लू जाटव की जो फरियाद थी जो FIR थी उसमें साधारण धाराओं का इजाफा लगा के उसको FIR को केवल है ना सूचीबद्ध कर लिया, उसमें जो चोट आई है उसके आधार पर 307 की धारा कायम ही बनती है वो पुलिस प्रशासन नहीं की है। इसलिए हम भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग आज SP ऑफिस से गुहार लगाने आए थे कि जो धारा बनती है उसको बाजे उस पर कायमी की जाए धारा बढ़ाई जाए। अभी हमने सुना है कि 325 की कायम धारा बढ़ाई गई है लेकिन वो भी वाजिब नहीं है। जब धारा पैर फ्रैक्चर है 5-5 जगह से एक व्यक्ति को तो 307 तो बनती है, तो इसलिए हमने SP साहब से बोला था कि वाजिब जो धारा है उसके कायम की जाए। पुलिस बता रही है कि उनके फ्रैक्चर है तो उन धाराओं में 325 की धारा में कायमी कर ली गई है। देखिए सर हम ये कह रहे हैं कि कहीं एक छोटा सा पत्थर सर में लग जाता है और 2 टाके आ जाते हैं किसी व्यक्ति को और वो जाति सवर्ण जाति का होता है या अपर जाति का होता है तो उस पर 307 धारा लगा दी जाती है हम लोगों के ऊपर। और जहाँ फ्रैक्चर है 5-5 जगह से और 2-2 आदमी चोटिल हैं जिनके अस्पताल में स्थिति गंभीर है तो वहाँ 307 क्यों नहीं लग सकती? इसलिए हमने पूछना चाहते हैं जाके प्रशासन से और आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारी बात को बढ़ाएं और कायमी 307 की कराई जाए। अभी पुलिस ने किस तरह का आश्वासन आपको? पुलिस तो वही आश्वासन देती है कि हम जांच करा रहे हैं और कर देंगे 307 बढ़ा देंगे, आश्वासन तो दिया SP साहब ने। अगर वो बढ़ा देते हैं 307 नहीं बढ़ती है तो फिर किस तरह का प्रदर्शन आगे रहेगा आपका? अगर 307 की कायमी नहीं की जाती है तो 7 दिवस के अंदर भीम आर्मी प्रदेश लेवल पर एक आंदोलन करेगी, एक ऐसा आंदोलन करेगी जिसमें सुपरी जिले के अलावा पूरे प्रदेश के लोगों को सुपरी बुलाया जाएगा। हो सकेगी चक्कर जाम से लेकर किसी प्रकार से हमारे एक प्रयास से भीम आर्मी के पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। और जिस प्रकार से आपको पता है कि रामनगर गदाई में एक कांड हुआ था जिसमें यादव जी को 2 टाके आए थे सिर पर एक पत्ता लगने में, लेकिन 307 के जो मुकदमा है वो हाल के हाल दर्ज किया गया था। लेकिन आज जो पीड़ित परिवार के साथ साथ 5-5
फ्रैक्चर होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है, और ऊपर से जो आरोपी पक्ष हैं उनको अस्पताल में जाकर पीड़ित परिवार को धमकाया जा रहा है। इस प्रकार के जो व्यवहार है और पुलिस की जो कार्यशैली है जो, उस पर भी एक सवाल खड़े होते हैं, जिसको लेकर हमने सरकार को और सरकार के माध्यम से पुलिस प्रशासन को एक आवेदन दिया है, जिसमें 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो बीमारी सड़कों पर उतरेगी, फिर बीमारी अपनी ताकत दिखाने का एहसास करेगी। जी एक प्रकरण को लेकर ये आए थे, थाना सिरसौद में टोंका गांव है, वहाँ यादव और जाटवों में विवाद हुआ है, उस पर प्रकरण पंजीबद्ध है। इनकी डिमांड ये है कि उसमें धारा 307 इजाफा की जाए, तो उसके लिए हम डॉक्टर से क्वेरी करवाएंगे, यदि डॉक्टर सपोर्ट करते हैं तो हम धारा 307 बढ़ा दें। सर ये दूसरा मामला भी एक कोई आदिवासी का, ये बैराड़ का है, वहाँ प्रकरण पंजीबद्ध है। इनका कहना ये है कि राजीनामा के लिए दबाव बना रहे, तो वो मैं दिखवाता हूँ।